पहले इजरायली हमले में हिजबुल्ला चीफ नसरल्ला की मौत, उसके बाद इसराइल पर ईरान का ताबड़तोड़ हमला, और फिर अब इजरायली सेना की हिजबुल्ला के कब्जे वाले लेबनान में एंट्री। देखिए, ये सभी घटनाएं एक दूसरे से बहुत गहरे तरीके से जुड़ी हैं। उस गहराई में जाने से पहले जान लेते हैं कि इजरायली सेना ने लेबनान में ताजा क्या किया है। देखिए, दरअसल इसराइल जिन मामलों में हिजबुल्ला के सामने कमजोर पड़ता है उसका जवाब वो पेजर अटैक या वॉकी टॉकी अटैक और एयर स्ट्राइक से देता है, हमने देखा है। ऐसे में अब एक बार फिर इसराइल अपने टैंक और सेना के साथ लेबनान के अंदर करीब 50 किलोमीटर तक घुस गया है। इसके डर से हिजबुल्ला के लड़ाके इलाका छोड़कर भाग गए हैं। उनके साथ लेबनान के लोग भी अपनी जान बचाने के लिए इलाके को खाली कर दूसरी जगहों पर जा चुके हैं। उधर इसराइल की नेशनल सिक्योरिटी कैबिनेट ने कह दिया है कि ये हिजबुल्ला के खिलाफ अगले चरण की लड़ाई है। इसराइल ने ईरानी हमलों के बाद ही कह दिया था कि ईरान को इस गलती का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यहां आपको बता दें कि लगभग 50 सालों में ये चौथी बार है जब इजरायली सेना लेबनान की जमीन पर पहुंची है। 2006 में 34 दिन चले लंबे युद्ध के बाद ये पहली बार है इजरायल ने लेबनान में एंट्री ली है। इजरायली सेना अपने इस अभियान को सीमित जमीनी ऑपरेशन बता रही है। इसमें ऊपर से बम और मिसाइल गिराकर सेना के लिए रास्ता साफ किया जा रहा है। इतना कुछ करने के बाद भी इजरायल ने कहा कि वो लंबे समय तक लेबनान पर कब्जा नहीं करेगा। अब देखिए, ऐसे में सवाल उठता है कि जब उसे कब्जा नहीं करना है तो फिर इजरायली सेना के इस कदम का इरादा क्या है, क्योंकि इससे पहले 1 अक्टूबर तक लेबनान के अंदर 2 दर्जन गांवों को इजरायली सेना हिजबुल्ला से मुक्त करा चुकी है। ऐसे में अब इजरायल इतना अंदर क्यों घुसता जा रहा है? इजरायली सेना सीधे हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमला कर रही है, इसे वो लोकलाइट रेड्स कह रही है। अभी तक हिजबुल्ला के लड़ाकों ने इजरायली सेना को जमीन पर टक्कर भी नहीं दी। इजरायल की सीधी लड़ाई गाजा में हमास के साथ है और हिजबुल्ला हमास का साथ दे रहा है। उधर हिजबुल्ला प्रवक्ता मोहम्मद अफीफ ने इजरायली सेना के सभी दावों को खारिज करते हुए इसे झूठा बताया। एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि इजरायली सेना चुन चुनकर लेबनानी जमीन पर कदम रख रही है। अभी उन्होंने पूरी तरह से जंग नहीं छेड़ी है। कहा यह भी जा रहा है कि लेबनान की जमीन पर इजरायली सैनिक रुक नहीं रहे हैं, हमला करके वापस आ जाते हैं। हालांकि इसराइल की नेशनल सिक्योरिटी कैबिनेट का कहना है कि हिजबुल्ला के साथ जंग के अगले चरण को अप्रूवल दे दिया गया है। इजरायली सेना लेबनान सीमा पर छिटपुट हमले कर रही है और वहां से लेबनानी लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज रही है। इस बीच इजरायली एयरफोर्स ने बेरूत में फिर से बमबारी की है। इस शिया बाहुल इलाके में हिजबुल्ला के लड़ाकों की भारी संख्या है। देखिए, इन सबके बीच इसराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ता दिख रहा है, और इनके बीच तनाव बढ़ा तो ये बड़े युद्ध का रूप ले सकता है, और इस युद्ध में दोनों तरफ से कई मासूम बच्चे और निर्दोष मारे जाएंगे, और बाकी युद्धों की तरह ये युद्ध भी महीने दर महीने खिंचता रह सकता है।